क्वेश्चन इज इफ ए मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू उस फर्स्ट रो इज 3√3 2 सेकेंड रो एंट्रीज आर 4 2 0 एंड अनदर मैट्रिक्स बी उस फर्स्ट रो एंट्रीज आर 2 -1 2 सेकेंड रो एंट्रीज आर 1 2 एंड 4 देन वेरीफाई डैट ए ट्रांसपोज एंड अगेन ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स इज इक्वल टू ए सेकेंड रिजल्ट इज ए प्लस बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज और जो तीसरा रिजल्ट है वो ये है कि के इंटू बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू के इंटू बी ट्रांसपोज वेयर के इज एनी कॉन्स्टेंट। सो लेट्स सी हाउ वी आर गोइंग टू प्रूव द गिवन स्टेटमेंट। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं क्वेश्चन के डाटा को एक बार नोट कर लेता हूं। तो आप देख सकते हैं कि ए मैट्रिक्स जो आपको दे रखी है उसके रो की रोज की जो एंट्री है फर्स्ट रो की एंट्रीज पे अगर मैं कमेंट करूं तो दे आर 3√3 और 2। सेकेंड रो की एंट्रीज को अगर चेक करें तो ये हमारे पास है 4 2 और 0। एक अनदर मैट्रिक्स बी आपको दे रखी है जिसके डाटा को अगर मैं नोट करूं तो इसकी एंट्रीज हमारे पास है 2 -1 एंड 2 और सेकेंड रो की एंट्री मेरे पास है 1 2 और 4। और अब आप देख सकते हैं कि मुझे एक एक करके 3 रिजल्ट को यहाँ पे वेरीफाई करना है। लेकिन इससे पहले मैं कुछ बेसिक चीजें आपको क्लियर कर देता हूं। मान के चलिए आपके पास कोई एक मैट्रिक्स है, मैं एक अनदर मैट्रिक्स एक्स कंसीडर कर लेता हूं और लेट इसकी एंट्रीज हमारे पास हैं डेट इज पी क्यू आर एक्स वाई जेड। अब अगर आप देख पा रहे हैं तो इसमें आप देख सकते हैं कि नंबर ऑफ रोज की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे 2 रोज आपके पास मौजूद है, दिस इज आर वन दिस इज आर टू, और कॉलम की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे 3 कॉलम आपको नजर आ रहे हैं। इनकेस अगर आप किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेते हैं तो आपको इसके लिए करना ये होता है कि आपको इसके रोज और कॉलम को इंटरचेंज करना है। मीन्स जब आप गिवन मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालेंगे एंड दिस इज बेसिकली द सिंबल फॉर द ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स, आप एक्स के ऊपर डैश लगा दीजिए और क्या करना है आपको है ना इसके रो और कॉलम को इंटरचेंज करना है। पर ये जो पहला रो आपको नजर आ रहा है पी क्यू आर इसको आपको लिखना पड़ेगा कॉलम के अंदर, तो यहां मिलेगा पी क्यू आर और ये जो सेकेंड रो की एंट्री है ये ट्रांसफॉर्म हो जाएगी सेकेंड कॉलम की एंट्री में विच इज एक्स वाई और जेड। एक और चीज आपको यहाँ पे नोटिस करना चाहिए कि अभी इसका ऑर्डर था 2 इंटू 3 लेकिन जब आप इसका ट्रांसपोज निकालेंगे तो इसका ऑर्डर भी इंटरचेंज कर जाता है। मतलब अगर पहले ऑर्डर एम इंटू एन है तो ट्रांसपोज लेने के बाद जो ऑर्डर आपको मिलेगा वो मिलेगा एन इंटू एन, तो यहाँ पे जो ऑर्डर आपको मिल रहा है विच इज 3 इंटू 2। अब मुझे लगता है कि हम लोग कंफर्टेबली इस पे काम कर पाएंगे। तो जो सबसे पहला रिजल्ट है चलिए अब उस पे बात करते हैं। मुझे कैलकुलेट करना है ए का ट्रांसपोज और फिर अगेन इसका ट्रांसपोज लेना है और प्रूव करना है कि ये अगेन आपको सेम मैट्रिक्स के बराबर मिलेगा। चलिए ए वाले डाटा को नोट कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ए मैट्रिक्स आपके पास है विच इज 3√3 2 4 2 0। चलिए इसका ट्रांसपोज ले लेते हैं। तो जैसे आप इसका ट्रांसपोज निकालेंगे तो जैसा मैंने कहा कि इसका ऑर्डर चेंज होने वाला है, पहले ऑर्डर आपके पास था 2 इंटू 3, अब ऑर्डर आपको मिलेगा 3 इंटू 2 और एंट्रीज आपको नजर आएंगी 3√3 2 दिस इज 4 2 और 0। लेकिन क्वेश्चन में आपको सेम मैट्रिक्स का 2 बार ट्रांसपोज लेना है तो फिर से आपको इसको इंटरचेंज करना पड़ेगा। अब फिर से ये जो कॉलम वाला डाटा है ये रो में कन्वर्ट हो जाएगा तो आप इसे लिखेंगे फिर से 3√3 और 2, मतलब ये जो आप फर्स्ट कॉलम है इसको दोबारा से आप रो में कन्वर्ट कर लीजिए या फिर वाइसा वर्सा भी कर सकते हैं कि जैसे ये जो रो है पहली वाली इसको आप कॉलम में ले आइए। तो जब ये फर्स्ट रो को आप कॉलम में लाएंगे तो ऑब्वियस है ये एंट्री बनेगी 3 और 4, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम में लेके आएंगे तो ये बनेगा √3 और 2 और थर्ड रो को थर्ड कॉलम में लेके आएंगे तो ये बनेगा 2 0, मतलब ऊपर 2 और नीचे 0। तो आप जैसे चाहें वैसे इसे समझ सकते हैं लेकिन हाँ पहला रिजल्ट हमने प्रूव कर दिया कि अगर आप किसी भी मैट्रिक्स का 2 बार ट्रांसपोज लेते हैं तो यू विल गेट द सेम मैट्रिक्स अगेन। अब चलते हैं सेकेंड स्टेटमेंट पे। सेकेंड स्टेटमेंट में हमें ये प्रूफ करना है विच इज ए प्लस बी का ट्रांसपोज दिस इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज के। तो सबसे पहले तो ए मैट्रिक्स के डाटा को हम लोग नोट कर लें। आप देख सकते हैं कि ए मैट्रिक्स का डाटा फिर से मुझे एक बार नोट करना पड़ेगा, दैट इज 3√3 2, उसके बाद डाटा है 4 2 0। चलिए सेकेंड मैट्रिक्स बी पे भी काम कर लेते हैं।
और बी मैट्रिक्स हमारे पास है, अभी तक हमने ये डाटा यूज नहीं किया है, तो बी मैट्रिक्स मेरे पास है 2 -1 एंड 2, 2 -1 2, ये आपके पास फर्स्ट रो की एंट्री है, और सेकेंड रो की एंट्रीज को आप चेक कर सकते हैं, विच इज 1 2 एंड 4, विच इज 1 2 एंड 4। पहले क्या कर रहे हैं, पहले दोनों मैट्रिक्स को आपको ऐड करना है, जैसे आप दोनों मैट्रिक्स को ऐड करेंगे और फिर उसका ट्रांसपोज भी लेना है, तो मैट्रिक्स एडिशन में एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आपको क्लियर होगा, जब भी आप दो मैट्रिक्स को ऐड करते हैं इसके लिए करना ही होता है कि आपको करस्पॉन्डिंग एंट्रीज को ऐड करना है, मतलब ये एंट्री को आपको ऐड करना पड़ेगा इस एंट्री से। सिमिलरली √3 ऐड होगा -1 से और 2 ऐड होगा 2 में, तो ये डाटा बनेगा 5, इसको आप लिख सकते हैं √3 -1, इसको आप लिख सकते हैं 4, ये बनेगा 5, उसके बाद 2 एंड 2 यहाँ पे 4 लिखेंगे, और 0 और 4 को आपको लिखना पड़ेगा 4, और मुझे अभी इसका ट्रांसपोज लेना बाकी है। जैसे आप इसका ट्रांसपोज निकालेंगे तो A+B मैट्रिक्स का ट्रांसपोज आपको मिलेगा, डेट इज 5 √3 -1, √3 -1 4, डेट इज 5 4 एंड 4। आप चाहें तो इसे इक्वेशन नंबर 1 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब चलते हैं इसके राइट हैंड वाले पार्ट पे, राइट हैंड में आपको क्या करना है, A′ + B′ निकालना है, ठीक है, तो मुझे कैलकुलेट करना है A′ + B′। तो सबसे पहले ए डैश को देखते हैं कि ए डैश का डाटा क्या है, ए डैश का मतलब ए का ट्रांसपोज, तो आप देख सकते हैं कि अभी अभी आपने ए डैश निकाला है, 3 4 √3 2 एंड 2 0, 3 4 √3 3 4 √3 2 2 0, दैट इज 2 2 0, ये आपके पास है ए का ट्रांसपोज। मुझे अभी यहाँ पे ट्रांसपोज का सिंबल नहीं लगाना चाहिए क्योंकि तो ऑलरेडी ये ए ट्रांसपोज है, इसका फिर से ट्रांसपोज आपको नहीं लेना है, सो दिस इज द वैल्यू ऑफ ए ट्रांसपोज, ठीक है। अब हमें रिक्वायर्ड है बी का ट्रांसपोज, तो बी का ट्रांसपोज के लिए मुझे बी मैट्रिक्स को का ट्रांसपोज लेना पड़ेगा, तो आप देख सकते हैं कि ये मेरे पास बी मैट्रिक्स है और इसका ट्रांसपोज अगर मैं निकालूंगा तो ये मिलेगा, ये आप फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में ले जाइए, विच इज 2 -1 एंड 2, दैट इज 2 -1 और 2, सेकेंड रो को चेक करें तो ये आपके पास है 1 2 एंड 4, दैट इज 1 2 एंड 4, दिस इज 1 2 एंड 4, चलिए ऐड कर लेते हैं। अब जैसे आप इन दो मैट्रिक्स को ऐड करेंगे फिर से वही ऑपरेशन लगाना है, करस्पॉन्डिंग एंट्रीज को ऐड करना है, तो 3 में 2 ऐड करेंगे 5, 4 में 1 ऐड करेंगे 5, √3 में -1 ऐड करेंगे तो √3 -5, √3 -1, 2 में 2 ऐड करेंगे 4, 2 में 2 ऐड करेंगे 4, और 0 में 4 ऐड करेंगे 4। अब आप देख सकते हैं कि एग्जैक्टली ये डाटा और ये डाटा जो नीचे अभी आपने कैलकुलेट किया है, ये दोनों मैट्रिक्स का डाटा एग्जैक्टली मैच कर रहा है, तो फाइनली वी कैन क्लेम दैट A+B ट्रांसपोज इज इक्वल टू A′ + B′ के। अब चलते हैं क्वेश्चन के तीसरे पार्ट पे, और तीसरे पार्ट में हमें क्या प्रूव करना है, विच इज K into B ट्रांसपोज, दैट इज K into B ट्रांसपोज इज इक्वल टू K into B ट्रांसपोज, वेयर वेयर K इज एनी कॉन्स्टेंट, ठीक है, K जहां पे कोई भी एक कॉन्स्टेंट क्वांटिटी है। तो सबसे पहले तो B ट्रांसपोज B मैट्रिक्स का डाटा मुझे रिक्वायर्ड है, तो B मैट्रिक्स पे अगर अपन देखें तो B मैट्रिक्स अभी अभी हम लोग यूज किए हैं, 2 -1 एंड 2, दैट इज 2 -1 2, सेकेंड रो को अगर अपन चेक करें तो ये है 1 2 4, दिस इज 1 2 4, ये आपके पास बी मैट्रिक्स है, तो सबसे पहले क्या करना है, मुझे इस मैट्रिक्स में किसी कांस्टेंट क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करना है, तो अगर मैं के बी निकालूंगा तो के बी मुझे मिलेगा, दैट इज 2K - K, 2K, K, 2K और 4K। मैं आपको बता दूं कि जब भी हम किसी मैट्रिक्स में किसी स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब किसी रियल नंबर से जब आप मल्टीप्लाई करते हैं, तो उस रियल नंबर को आपको हर एक एंट्री में मल्टीप्लाई करना पड़ता है, तो यहाँ पे मैंने KB को तो कैलकुलेट कर लिया, लेकिन अब मुझे रिक्वायर्ड है इसका ट्रांसपोज, तो जैसे आप इसका ट्रांसपोज निकालेंगे आपको एक मैट्रिक्स मिलेगी, विच इज 2K, 2K, K -K, 2K, 2K और यहाँ पे 4K। आप चाहें तो इस मैट्रिक्स में से K को कॉमन ले सकते हैं, तो जैसे आप K कॉमन लेंगे तो अंदर अगेन आपको एक मैट्रिक्स मिल रही है, विच इज 2 1 -1 2 एंड 2 4,
और आप देख सकते हैं कि ये जो मैट्रिक्स है ये बेसिकली बी के ट्रांसपोज के इक्वल है, यानी कि आप इसे लिख सकते हैं के इंटू बी ट्रांसपोज। तो फाइनली द थर्ड स्टेटमेंट जो था वो हमने प्रूव कर लिया है, विच इज के इंटू बी का कंप्लीट ट्रांसपोज बराबर होगा के इंटू सिंपली बी के ट्रांसपोज के। एंड दिस इज द स्टेटमेंट विच वी हैव टू प्रूव इन द थर्ड पार्ट।